राज्यसभा के 5 सीट खाली हो रहे हैं बिहार से, और जिसको लेकर अलग अलग दलों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर ली है, यानी यूं कहें तो उसके अंतिम मुकाम पर हैं। और 22 में 5 सीट खाली होने वाले हैं, जिसमें एक सीट जदयू के खाली होंगे आरसीपी सिंह वाली, और दूसरी सीट किंग महेंद्र जो जदयू के वरिष्ठ नेता थे। हालांकि उनके सीट को लेकर अभी खासा चर्चा नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की छुट्टी तय हो गई है। जदयू से आरसीपी सिंह पहले ही आउट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके जन्मदिन को लेकर भी कोई बधाई नहीं दी। पार्टी के तरफ से तमाम बातें निकलकर सामने आई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। पटना में जिस तरह से दोनों नेताओं का स्वागत हुआ, इसे साफ हो गया कि जदयू में किसकी पकड़ कितनी है। अब उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यानी जदयू की तरफ से केसी त्यागी फाइनल हो गए हैं। केसी त्यागी क्यों फाइनल है, इसके पीछे के कई कारण हैं। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी तल्ख हैं। इसको लेकर हो सकता है कि आरसीपी सिंह को एक बार फिर से आउट कर दिया जाए, और केसी त्यागी को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि केसी त्यागी कैसे शामिल हो जाएंगे, केसी त्यागी किन मुद्दों को लेकर शामिल हो जाएंगे, तो इसमें जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि केसी त्यागी तमाम सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर बोलते हैं। सीएए, एनआरसी, कृषि कानून, ये तमाम मुद्दे हैं जो नेशनल मुद्दे हैं उस पर वो बोलते हैं। ऐसे में केसी त्यागी को उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी कमान दिया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से केसी त्यागी का नाम फाइनल कर दिया गया है, और आरसीपी सिंह की छुट्टी तय कर दी गई है। आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के बीच जो रिश्ते हैं वो तमाम लोग जानते हैं। कैसे, वो मंत्रालय में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग थी कि मोदी कैबिनेट में जदयू कोटे से 2 मंत्री जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर आरसीपी सिंह ने अपना नाम आगे किया और ललन सिंह का नाम पीछे किया। इसके बाद पार्टी में टूट की संभावनाएं बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह को शामिल करा देते हैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में। वरिष्ठ होते ही नहीं, उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तमाम मुद्दे हैं, और पिछले दिनों जन्मदिन के अवसर पर उनका बधाई न दिया जाना, कहीं ना कहीं ये साफ है कि अब आरसीपी सिंह की छुट्टी तय है। और आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि आरसीपी सिंह की छुट्टी तय होती है तो केसी त्यागी का जगह फाइनल होना तय माना जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो घमासान चल रहा है बिहार में, अब कहीं ना कहीं जदयू के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तरफ राजद के अंदर मीसा भारती को साइड किए जाने की बातें चल रही है, वही दूसरी तरफ आरसीपी सिंह की छुट्टी तय मानी जा रही है और केसी त्यागी इस बार फिक्स बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ होता है, राज्यसभा के सीटों को लेकर मुख्यमंत्री का क्या फैसला होता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।